पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अचानक गायब हो गए हैं। देश लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब इन सभी के बीच भारत ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। भारत ने पाकिस्तान की सीमा के पास एक धमाकेदार परीक्षण किया है। भारत ने पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा किए गए इस सफल परीक्षण के बाद पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और भी घातक हो गया है। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान लगातार भारत की सुरक्षा के लिए दिक्कतें खड़ी करते रहते हैं, लेकिन पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नया वर्जन दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देगा। आपको बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम हर मौसम और परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। मिसाइल हो या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, भारत लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि पिनाका सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता रखता है। इस सिस्टम की मारक क्षमता 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। आपको याद दिला दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी और अब यही रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कई गुना घातक हो गया है।